Assalamualaikum guys, welcome back to the video, welcome back to the vlog. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज इंतहा की गर्मी पड़ी है, कसम से इंतहा की गर्मी पड़ी है ना यार, लग पता गया है। लेकिन मैं आज निकल आया हूँ, मैंने कहा व्लॉग बनाना है। आजकल व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे यार, मेरे ना एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। पढ़ तो मैं खैर नहीं रहा, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं ना रहा था, जो व्लॉग क्या करूँ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है यार, आज मैं जा रहा हूँ मिंटकुमी रोड पर। मेरी ना गाड़ी की पिछले लाइटें हैं वो थोड़ी सी, वो मैं अभी बता नहीं सकता क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को रिवील करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो करवाने जाना है, तो लाइटें खुलवा रहा हूँ यार। घर ट्राई किए, मेरे से लाइटें नहीं खुल रही घर पे, क्योंकि दो तो पाँच मॉडल गाड़ियाँ जनरल लाइट्स लगी हुई हैं, तो 5 से 15 साल 20 साल हो गए वो लाइट खुली नहीं है, तो वो खुल ही नहीं रही। इसलिए अब हम इलेक्ट्रिशियन के पास आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिशियन से लाइट खुलवाते हैं, फिर चलते हैं मिंटकुमी रोड पर, रिम्पा जाते हैं, जा कर देखते हैं यार क्या करना है। और आज नहीं होगा वो, आज तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मैं 3-4 दिन लगेंगे और मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। तो फिर जब फिट करूँगा नेक्स्ट व्लॉग, इंशाल्लाह फिटिंग का ही होगा। तब तक आप, और अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, हिंट है कि लाइट्स को क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो, तो 2-3 दिन पहले मैंने वो स्टोरी लगा दी थी कि यार करवाना है मैंने लाइट्स को। तो अगर तो तुम लोगों को नहीं पता तो तुम्हारी गलती है भाई, इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं फॉलो किया हुआ, जब मैंने कहा था कर लो। और वैसे थोड़ा वेट कर लो अगर यहाँ पर देख रहे हो, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और गर्मी में चलें भाई के साथ। बॉयज़ लाइट्स अपनी एक खुल गई है, एक रह गई है यार। तो बहुत गर्मी है, मेरे से ब्लॉग नहीं हो रहा, और मैंने ऊपर से काली शर्ट पहनी हुई है यार, फ्लेक्सिबल शर्ट है साथ जुड़ी हुई है। तो आप लोगों से जाके मिलता हूँ रिम्पा, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं यहाँ से जा रहा रिम्पा, गाड़ी घर खड़ी करूँगा, चाहिए गाड़ी, हम लोग किसी और चीज़ पर जाएंगे, लाइट सीख देखे किस पर जाएंगे। तो रिम्पा जाके आपसे मिलता हूँ, वहाँ जाके अपने और लौंडे या मचूर वगैरह सबसे मिलवाता हूँ, और रिबॉन का चेक करते हैं कितना हो गया, क्योंकि वहाँ तो नहीं खैर रिबॉन नहीं है, वहाँ तो हम जाके वर्बली पूछेंगे। तो रिम्पा जाके आपसे मैं लगा देती है। ओके, तो भाई लाइट्स की बात की जाए तो आपके भाई की गाड़ी में लगी हुई है कोटो की ओरिजिनल जापानीज़ लाइट्स हैं यार। ये लाइट 10,000 की है, लिटरली 10,000 का पेयर है इसका, कोटो का ओरिजिनल जो है। कोटो का तो बात भी नहीं है, बल्कि यार अब डर ही लग रहा है मुझे इनको छेड़ते हुए। खैर है, शौक है, करेंगे, कुछ नहीं होता भाई। पाकिस्तानी आवाम है ना, थूक लगाए बगैर तो इनका चलता नहीं है। सिर्फ लाइट्स खुली हैं, हालांकि वो जो था दुकान कॉर्नर में खुद नहीं था, वो जानने वाला मेरा, तो वो तो मुनासिब ही लेता है, अभी उसके कारीगर थे। तो लाइट्स खुली है मेरे पास, अब घर पे वो टूल नहीं था, मैंने ट्राई की, मेरे से नहीं खुली, तो मैं इसके पास ले आया। कहता 300 रुपया सिर्फ लाइट्स खोल लेगा, चेक करो यार। जब वो फिर अचानक उसका ना ऑनर आ गया वर्कशॉप का, कहते भाई इससे कितने आपको कितने बताया, मैंने कहा 300 दे के खुलवाइए, ये भी ज़्यादा लिया है। बिला वजह का थूक डाला हुआ यार, थूक लगाने से बक्से नहीं वाम नहीं बाहर जाती। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं इधर मिंटकुमी रोड पे, यहाँ पे भी असल में मैं आपको बताता हूँ क्या करवाना है। मैंने अभी लाइट्स को करवाना है लावा कन्वर्टर, तो यह है वो बनवाने, तो डिज़ाइन देखता हूँ कौन से पसंद आते हैं। अभी तो खैर जोन सा फाइनल करूँगा, अभी तो नहीं दिखाऊँगा, नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं लगवाऊँगा तब आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन अभी हम पसंद कर लेते हैं डिज़ाइन कौन सा है, लेट्स सी। बाकी और अभी हमने जाना है रिम्पा, दोस्त आए हैं उनसे मिलते हैं आगे। यार बाइक पे आया, लिटरली हालत ख़राब हो गई लिटरली। तो बॉयज़ लाइट्स आपके भाई ने कर लिया फाइनल, डिज़ाइन फाइनल हो गया, मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, लेकिन डिज़ाइन फाइनल है। और ये हम लाइटें अभी आज देंगे, तो ये मिल जाएंगी तकरीबन आज देंगे तो ये मिल जाएंगी सैटरडे को। सैटरडे को नहीं लूँगा क्योंकि मेरा संडे को पेपर है, पेपर के बाद आके लाइटें लगवाएंगे इंशाल्लाह, आप संडे को मिलेंगी, तो हम संडे को आके लाइटें लगवा लेंगे। तो बॉयज़ ये लाइट्स अपनी आ गई हैं, ये अंकल इंशाल्लाह संडे तक हमें इसकी लावा बना देंगे इंशाल्लाह। तो संडे को आपको लाइट्स दिखाएंगे, अभी हम चलते हैं लाइट्स देके, ठीक है अंकल, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बॉयज़ अब हम आ गए रिम्पा प्लाजा, और आते ही आप किस बंदे की मुझे दीदार हो गया, आपको बंदे दिखाता हूँ किसका दीदार हुआ है। हियर एम अ टूर फॉर यू। और ये माशाल्लाह से आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारी रिबॉन के टायर और रिम्स 18 इंच जैसे सार्स जो फट गए हैं, जो पाड़ गए हैं, कोई उलूगा पट्टा इसको 7 अप कर गया, कोई करके गया नहीं, खुद ही हो गया, लीरो लीरो हो गया। ये बेचारी खड़ी खड़ी के गाड़ी के टायर पाड़ गए यार, ये चेक यार, ये यहाँ से टायर पाड़ गया गाड़ी का, पूरा टायर 7 अप हो गया, और ये 2 टायर हुए ना, और 2 टायरों का स्ट्रेच खुल गया, 2 टायर 7 अप हो गए, वो पड़े बंदे।
और हेयर तू तो साइड पे हो ना। एंड हेयर वी हैव द गैराज वाली के विद करांजे, और ये माशाल्लाह गाड़ी यार बहुत साफ है, पीछे से भी आपको उसका गेड़ा कराते हैं। ये है मनान भाई की के, ये हनान भाई की एल्टिस जो के परसों तक 18 inches पे थी और अब ये सिंपल रिम्स पे है, और ये है हसन भट्ट की ES, माशाल्लाह प्यारी है। तो बॉयज़ मैंने रिबॉन वाले व्लॉग में आपसे एक बंदे का जिक्र किया था, अहमद तूर का, तो ये है वो बंदा जिसने मेरे व्लॉग का क्लिप निकाल के टिकटॉक पर चढ़ा दिया है। अहमद तूर को कौन नहीं जानता, अहमद तूर को कौन नहीं जानता यार, वो मैंने असल में कम बोला था, कौन नहीं जानता ये क्या बंदा कंजर है। खैर गंदे गंदे इशारे कर रहा है यार, शर्म तो नहीं आती, फैमिली ने व्लॉग देखना था यार, आप लोग कट कर दो। तो खैर यार रिबॉन हमारी जो पेंट हो रही है, टायर उसके ये पड़े हुए हैं, और ये अहमद खोकर साहब खड़े हैं इधर, ये टायर के ऊपर बैठ के टायर सेवन अप हो गया। तो गॉयज़ ये हमारे साथ है पाकिस्तान का, और ऑफिशियल विद कितने फॉलोवर्स हो गए हैं, 22 हो गए हैं, 33,000 फॉलोअर्स के साथ। और ये आजकल माशाल्लाह से जॉब कर रहा था गैराज पे, यार आपको सामान वगैरह चाहिए हो इसके पास ना आना, ठोका लगा देगा। तो गॉयज़ आपको करोला का साउंड सुनाते हैं अभी कट ऑफ एग्जॉस्ट पे, चेक कर लो। स्टॉक साउंड है, थैंक यू बोल भाई, आए रिच किड्स। वो कह रहा फुल रैप करेंगे ना तो चाचा जी बोलते हैं। तो अभी हाफ रैप सुन लो। स्टॉक ये आधे पे है, चला जा सेट है। तो बॉयज़ ये रिम्स हैं, ये फॉर सेल है, ठीक है, और एक वो भी है आपको दिखाता हूँ 18 inches, वो ला के दिखाता है, ठीक है। ये वाला रिम भी फॉर सेल है, वो रिम भी फॉर सेल है, अगर आपको रिम चाहिए हुआ तो यू कैन मैसेज टू द गैराज, आप गैराज पे आ सकते हैं, रिम ले सकते हैं। और एक ये है रिम टायर, दोनों है रिम टायर, दोनों फॉर सेल है, 18 inches है, ये 17 है ना, ये 17 इंच है, हां वो 18 है, ये 8.5 जीजे, 18 इंचेस, 10.5 जीजे, 17 इंचेस, रिम टायर्स बोथ आर फॉर सेल। तस्वीरें भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्लॉग के एंड में, जिन गाड़ियों पर फिट हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये व्लॉग रिम लेना हुआ या टायर लेना हुआ तो आप इससे भी रब्ता कर सकते हो पाकिस्तान कार ऑफिशियल, ठीक है। तो बॉयज़ आज का व्लॉग इतना ही है, आज का व्लॉग इतना ही, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो छोटा सा व्लॉग है, लाइक यार पेपर है क्या करूँ, पढ़ तो नहीं रहा लेकिन व्लॉग भी नहीं कर रहा, खैर इसने व्लॉगिंग शुरू कर दिया, इसके चैनल का लिंक आपको सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें जाके, ठीक है। ये भी खचे खुचे मारते हुए, गजब बेइज्जती है, मस्ती कर रहे हैं, खैर हम व्लॉग पर एंड करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़।